हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त वन यू वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ फिर से कोलंबिया का हॉल शेयर करने वाली हूँ, जो कि है कोलंबिया का ब्रा हॉल। अगर आप भी काफ़ी दिनों से अपने लिए एक अच्छा ब्रा लेने की सोच रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को इन तक देखें। मैंने कोलंबिया के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई किए हैं एंड उनका रिव्यू भी दिया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कोलंबिया के किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू मैं दूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ की रिव्यू चाहिए एंड मैं ट्राई करूँगी इस प्रोडक्ट की आपको रिव्यू दूँ। तो ये रहा वो रिसेंट परचेज जो मैंने अभी ही ऑर्डर किया था। एंड बॉक्स को ओपन करते ही मुझे सबसे पहले एक प्यारा सा कार्ड रिसीव होता है, जिसमें कोलंबिया बोटानिका के जितने भी प्रोडक्ट है उनके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। एंड अगेन मुझे एक कूपन रिसीव हुआ है, जिसमें मुझे 35% की ऑफ मिलेगी अगर मैं अजफरान के प्रोडक्ट बाय करूंगी। तो ये रहे वो ब्रा जो मैंने अभी परचेस किया है। मैंने रिसेंटली अभी 3 ब्रा परचेस किए हैं। फर्स्ट वन दिस ऑरेंजेस एंड न्यूड कलर की ब्रा है, सेकंड एक मरून कलर की ब्रा है, एंड थर्ड मेरे पास जो ब्रा है एक प्योर न्यूड कलर की ब्रा है। एंड तीनों ब्रा को चलिए एक एक करके देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है और इसका जो ओवरऑल लुक है वो कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑरेंज वाला ब्रा दिखाती हूँ, जो कि ऑरेंज एंड न्यूड कलर के कॉम्बिनेशन में है। एंड इसमें बहुत प्यारी फ्लोरल प्रिंट हो रखी है। एंड ये जो फ्लोरल प्रिंट है डिफरेंट डिफरेंट कलर में है, जो बहुत फंकी लुक देता है। एंड एक बहुत प्यारा सा कलर वाला ब्रा है ये। कोलंबिया के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो वेल पैक्ड होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड इसमें हर प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर टैग लगा हुआ होता है, जहां इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ रहता है। तो ये जो ब्रा है दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यू कैन सी ऑरेंज एंड जो न्यूड कलर का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस ब्रा में आपको ट्रिपल हुक का सिस्टम मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं इसका जो साइड एरिया है वो नेट के मटेरियल का बना हुआ है, बट नेट का मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है। एंड ऐसा नहीं है कि ये आपको इरिटेट करेगा। यहाँ पे उन्होंने जो नेट यूज़ किया है वो काफ़ी फाइन क्वालिटी की है। आप देख सकते हैं कप वाले एरिया में काफ़ी अच्छे फ्लोरल प्रिंट हो रखे हैं, येलो कलर, ब्लू कलर, रेड कलर। एंड कप वाले एरिया में डबल क्लोथिंग का यूज़ किया हुआ है। जनरली अगर हम नॉर्मल मार्केट से कोई ब्रा खरीदते हैं तो कप वाले एरिया में डबल क्लोथिंग का यूज़ नहीं होता है, जिसके वजह से निपल वगैरह शो करते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर डबल क्लोथिंग का यूज़ किया है। एंड आप देख सकते हो ऊपर के एरिया में बहुत प्यारी सी लेस डिटेलिंग है। इस ब्रा के ऑल ओवर पार्ट में फ्लोरल प्रिंट हो रखी है, जो ऑरेंज कलर के टोन के साथ बहुत अच्छे से कंबाइन कर रही है और उसका लुक जो है बहुत अच्छे से इन्हेंस कर रही है। इसके स्ट्रिप्स बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो अब इस ब्रा का ओवरऑल लुक देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली में लगता कैसा है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड एंड सीन करते हैं हमारा नेक्स्ट ब्रा, जो कि मरून कलर में है। एंड आज मैं आपको जितने भी ब्रा शो कर रही हूँ वो सारे नॉन पैडेड काइंड ऑफ ब्रा है। अगर आप पैडेड ब्रा की वीडियो देखना चाहते हो देन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेयर यू कैन क्लियरली सी ये जो कलर है ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बट ब्राइट कलर वाले जो भी ब्रा होते हैं उसे आप सनलाइट में ड्राई करोगे तो उसके कलर चले जाते हैं, तो आपको इसे सनलाइट में ड्राई नहीं करना है। एंड इसमें भी ट्रिपल हुक का सिस्टम दिया है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे जो है वो वेलवेट का मटेरियल दिया गया है, ताकि ये आपको इरिटेशन ना दे। इसके भी साइड एरिया में बहुत प्यारी सी लेस की डिटेलिंग दी गई है। एंड मैं आपको जितने भी ब्रा दिखा रही हूँ वो फुल कवरेज ब्रा है। एंड फुल कवरेज की ब्रा आपको अच्छे से कवर अप करती है साइड वाले एरिया से, फ्रंट वाले एरिया से। सो इस तरह के ब्रा बेस्ट होते हैं। जब भी हम कभी कोई ब्रा खरीदते हैं तो हमारा मेन एम रहता है कि वो हमें अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करे,
और ये मटेरियल जो इन्होंने यूज़ किया है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। एंड हमारा सेकंड पॉइंट रहता है कि जो साइड वाले एरिया से बल्जिंग ना हो, तो आप देख सकते हैं जो साइड का एरिया भी कितना विथ है, इससे बल्जिंग वगैरह नहीं होगी। वन मोर थिंग, जो बैंड की इलास्टिसिटी है काफ़ी अच्छी होती है एंड ये जनरली लूज नहीं हो जाती। बहुत सारे ऐसे ब्रा होते हैं जो इसकी इलास्टिसिटी कुछ दिन के बाद एकदम लूज हो जाती है, जो कि बुरी बात है, बट इसमें बहुत अच्छे बैंड का यूज़ किया गया है। एंड कोलंबिया के ब्रा में काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ। एंड ये रहा इस ब्रा का ओवरऑल लुक। इस टिनी मिनी ब्रा हॉल का ये लास्ट ब्रा है जो कि न्यूड कलर में है। एंड इस कलर की ब्रा होनी सबके पास नेसेसरी है, क्योंकि ये बहुत सारे ड्रेस में बहुत इजीली चले जाते हैं। लाइक जो लाइट कलर के ड्रेसेस होते हैं उनमें ये बहुत अच्छे से जाते हैं। एंड इसके भी जो हुक वाले एरिया, उसके पीछे में वेलवेट मटेरियल का यूज़ किया गया है, जो आपको कोजीनेस एंड कम्फर्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये जो ब्रा है वो लाइट कलर में, अगर आप इसे सनलाइट में ड्राई करोगे तो इसके कलर फेड होने के चांसेस नहीं है, लेकिन जो ब्राइट कलर के ब्रा होते हैं लाइक रेड, मरून एंड ब्लू, इन सब कलर को अगर आप सनलाइट में ड्राई करोगे तो इसके कलर जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हें हमेशा शेड में ही ड्राई करें। एंड इस ब्रा की जितने भी डिटेलिंग वगैरह है वो सेम जो मरून वाले ब्रा की थी वैसे ही है, तो इसे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसमें एक छोटा सा प्यारा सा फ्रंट में बो दिया हुआ है। एंड ये जो बो बना हुआ है वो थिन रिबन से बना हुआ है, एंड सेम इसी तरह की बो कोलंबिया के हर ब्रा में होती है। एंड इसमें जो बैंड दिया गया है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी काफ़ी अच्छी है एंड ये जल्दी लूज नहीं होता। तो चलिए अब इसका ओवरऑल लुक देख लेते हैं। ये रहा इसका ओवरऑल लुक। तो आज का जो हॉल है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप मेरा पार्टनर कोड यूज़ करके एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हो, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड कोलंबिया के ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड जितने भी ब्रा मैंने आज दिखाए हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।